सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन अमेजोन गेमिंग। सो कैसे हो आप सब लोग? सो फाइनली आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मजा आने वाला है इस पूरे मैच में। स्टार्टिंग में आपने हाईलाइट देख ही लिया होगा और लिटरली यार इतना मजा आने वाला है इस पूरे मैच में। अब देखो यार, स्कूल उतरा हूँ, अब यहाँ मेरे कम से कम 25 से 30 किल होते हैं, बट एक मैच में नहीं यार, दो मैच में। अब यहाँ मेरे छत के ऊपर एक स्कोर उतरी है। अब सबसे पहले इनकी बातें सुन लो, वो बंदे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये बंदा आता है, मार रहा है मैं कि चुप इसको लॉक करता हूं। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, लग गया, फिनिश भी कर देता हूं। ठीक है, दो बंदे आते हैं। चलो बेटा, ये भी गया। अब देखो यार, ये लोग क्या बात कर रहे थे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। प्लेन वगैरह चलता रहता है, गाली गलौज भी चलती है। अब गाली गलौज चलती है तो गाली गलौज चलने के बाद जो वार्तालाप हो रहा था ना, ये उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ मुझे एक टीम दिखती है सामने, आप देखा होगा। अब ये देखो, पहले सबसे पहले अपने चार नंबर को कवर करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इसको ले लूँ मैं। एक बंदा नोक हो जाता है, देन भाई चार नंबर पे पूरा रश चल रहा है। यहां मैं टीपी भी लिए हुए, अब देखो लगे हाथ में फिनिश भी कर देता हूं, मगर यहां पर चार नंबर प्रस्थान कर जाते हैं। यहां पर एक स्कोर लेकर पुश कर देते हैं, मगर होना वही है जो होना है। अब देखो यार, मैं स्मोक करता हूँ। क्यों मैं करता हूँ? क्योंकि इनको लगना चाहिए कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। बट आगे देखो, पहला बंदा नॉक, लगे आप दूसरा बंदा नॉक, तीन बंदे नॉक। भाई साहब ये देखो, फिनिश भी ले लेता हूँ लगे हाथ, दूसरे बंदे को भी ले लेता हूँ। भाई मजा आने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक, मैं बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। भाई देखो, भसड़ बहुत चलती है। अब यहाँ बंदा दिखता है, अब इसको नॉक करने के बाद लगे हाथ। चलो बेटा, नाम पढ़ लेना भाई इसका, नू वाईटी के नाम से बंदे का चैनल है, ठीक है। अब यहाँ बंदा स्पॉट होता है, इसको भी किसी हाल पे ले लेता हूं मैं। अब इस भाई को पेड़ के पीछे से लेने के बाद भाई यहां पर ना पता चलता है सुर्खियों से कि दो बंदे मेरे यहां नॉक हो गए हैं और एक बंदे ने रश कर दिया है। मगर अचानक क्या होता है, मैं इसका वेट कर रहा था कि भाई ये जरा सा भी पिक करेगा देन मैं ले लूंगा, मगर आगे देखना क्या होता है। भाई लिटरली इसको जो लिया है ना भाई, इस बंदे ने पक्का मेरे को यहाँ पर रिपोर्ट करी होगी। अब देखना, यहाँ इसका एक बंदा आता है, एक गाड़ी आती है। भाई इतने बंदे हैं ना यहाँ अपार्टमेंट में, इतने बंदे आए हैं ना, भर भर के आए हैं। भाई एक गाड़ी आती है वो अलग स्कोर की, ये गाड़ी आती है ये अलग स्कोर की। ये बंदा यहाँ रोक लेता है, भाई थोड़ा सा डैमेज है बंदा, ज़्यादा गोली का है नहीं। देन लगे हाथ इसको भी ले लेता हूं मैं, ठीक है। दो बंदे यहां नोक हैं, मगर क्या होता है कि वहां पर जो बंदा मैंने नोक किया था वो ऑलरेडी वहां पर रिवाइव हो चुका है, वो दो लोग थे वहां पर। अब देखो यार, इसका बंदा यहां पर भागा भागा जा रहा था उसे बचाने के लिए, ठीक है। इसको भी लगे हाथ में ले लेता हूं। भाई सुर्खियों पर गौर पर नजर देना कि यहां 8 किल हो गए हैं, आगे बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद जो आपने क्लच देखे ना, लिटरली आप बोलोगे यार क्या खेल गया बंदा, ऐसे ऐसे क्लचेज हुए ना यहाँ पर। ये तो अभी शुरुआत है भाई, ये आगे देखना होता क्या है। अब देखो यार, मुझे लगा ये लोग जा चुके हैं, एक गाड़ी यहाँ से जा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ देखना, मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है क्योंकि लास्ट का जोन है भाई, बहुत गंदा काटेगा। मेरे पास हील तक नहीं है, आप देख पा रहे हो मेरे पास बिल्कुल भी हील नहीं है, सिर्फ बैंडेजेस है, वो भी 10 या 12 बैंडेजेस। और उस 10-12 बैंडेजेस में मैं जोन में जाने वाला हूँ। मगर होता क्या है, मैं सोच रहा था कि यार इनके पेटियों में कुछ किट विट मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। बट मैंने सोचा कि यार एक गाड़ी देखी थी मैंने,
मेन बिल्डिंग पे, यहाँ जाके इसको लेकर के भाग जाऊँगा। मगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि भाई यहाँ पर मेरे को गाड़ी भी मिल जाए। अचानक देखता हूँ एक गाड़ी जा रही थी यहाँ से, मैंने यहाँ पर फाइट ले लेता हूँ। अब पता नहीं मेरे अंदर भी क्या चुलती भाई, बंदा बहुत डैमेज है। अब ये भाई इतना डैमेज है ना, अब मैं अभी यहाँ पर, मेरे पास बिल्कुल भी किट नहीं है, मैं बैंडेजेस लपेट लेता हूँ। मैंने कहा भाई यार देखो यार, इनसे फाइट लेनी है ना, चाहे भले मर जाऊँगा मगर इनको मैं मार के ही जाऊँगा। मैंने भी सोच लिया था चाहे मुझे ये गेम मैं जीतूँ या नहीं जीतूँ, डजेंट मैटर। यहाँ पता चलता है कि ये बंदे स्मोक कर देते हैं, मगर तभी मैं गेम खेल जाता हूँ। यहाँ मैं ग्रेन करता हूँ, देन आगे देखना। वो भाई दो बंदे यहाँ पर नॉक फिनिश हो जाते हैं। अचानक से पता चलता है कि यहाँ पर दो बंदे और आ गए हैं न्यूज़ कोर्ट के, जो पहाड़ी पे बैठे हुए थे, काफ़ी देर से ताक लगा के बैठे। अब देखना यहाँ पर भाई, एक स्पिन में ये टीम भी स्वाइप हो जाती है। तो भाई यहाँ थे, यहाँ हो जाते मेरे 12 किल। अब आगे देखना, दूसरा मैच स्टार्ट हो गया है। क्योंकि यार देखो, मैं वहाँ पर नहीं बचना था, क्योंकि यार सबको पता है बैंडेजेस मेरे पास थे नहीं, मैं भी वहाँ पर क्विक कर देता हूँ। देन मैं लगे हाथ दूसरा मैच लगा देता हूँ। मैंने कहा भाई आज तो गए। यहाँ देखता हूँ कि ऊपर टेरिस पे कि यार आसमान में बहुत सारी स्क्वाड आई हुई है। मैंने कहा भाई अब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब मैं फटाफट यहाँ पर जाता हूँ अंदर। यहाँ पर सबसे किस्मत इतनी फूटी मेरी कि यहाँ पर मुझे गन भी तक भी नहीं मिलती है। मगर मैं दूसरी बिल्डिंग पकड़ लेता हूँ, और जैसे दूसरी बिल्डिंग पकड़ता हूँ, अब देखता हूँ कि यार मेन बिल्डिंग में एक बंदा है। अब इसको नॉक करने के बाद इसका टीममेट मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। मैं यहाँ बैकग्राउंड की पिन खींचता हूँ, यहाँ पर ये नहीं फटता है। बट मैंने सोचा कि अपने टीममेट को बचाया जाए, अगर मेरे पास मौका है तो डेफिनेटली मैं इसको बचाऊंगा। यहाँ मैं स्मोक करता हूँ इसको। अब जैसे ही स्मोक करता हूँ मैं फटाफट नीचे भागता हूँ। अब जैसे ही मैं नीचे भागता हूँ ना भाई, देखना आगे। अब मैं सोच ही रहा था कि अपने टीममेट के पास जाऊँ रिवाइव करने के लिए, मगर भाई बोट वाले भैया आ जाते हैं। मैंने कहा चल यार मैं यहाँ पर जाता हूँ, मगर मेरा एम वहीं पर है, आप देख रहे हो। मगर भाई वो लोग मेरे पे नहीं करते हैं फायरिंग। मैं अपने टीममेट को 1 HP पे बचा लेता हूँ, 1 HP पे। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, बट एकदम। अब देखना यहाँ पर एक न्यू स्कोर आती है। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोलता हूँ, देन देखता हूँ आगे। ये बंदा भागा भागा जा रहा था अपने टीममेट के पास। यहाँ पर 2 स्कोर है अंदर, मगर अचानक से देखता हूँ कि यहाँ पर एक और बंदा कूदता। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू यहाँ आ जा, भागा भागा इधर आ जाता। ठीक है, मेरे से जितना हुआ मैंने उसकी हेल्प करी। मगर अब यहाँ देखो, बेचारा शॉटगन लेके घुमा हुआ है, उसको भी यहाँ पर लूट नहीं मिली। मेरे पास भी अच्छी खासी लूट नहीं है। मैं देखता हूँ कि पीछे से कोई स्कूल से बंदा मुझे फायरिंग कर रहा है। मैंने कहा यार इसकी तो लूँगा मैं अच्छे से। यार मेरे सामने ये जिगल विगल नहीं चलेगा ब्रो। ठीक है तुम कर रहे हो, मगर ऐसे बंदे पे पुश मत करो कि तुम खुद ही हक दो। खैर यहाँ देखना एक न्यूज़ कोड यहाँ पर आती है। इस बंदे को नॉक करता हूँ, इसका बंदा कूदता है पीछे से, इसको भी लगे हाथ ले लेता हूँ हवा में। अब मैंने सोचा कि यार पुश किया जाए। अब इसका बंदा वहाँ से खबर दे रहा होता है, मैं यहाँ आँख मीच के कूद जाता हूँ। दो टीम के बीच में मैं यहाँ पर फाइट ले लेता हूँ अकेला विद ओजी के साथ। अब देखो यहाँ इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। साले इतने बड़े नूबड़े। इसको नॉक करता हूँ, ये वही बंदा जो इसको पहले मैंने नॉक किया था, ये रिवाइव हो चुका है। अब इसको करता हूँ। अब भाई अंदर ऑलरेडी एक न्यू टीम है और ये नॉक उसने किया था। अब यहाँ मैं खेल जाता हूँ। ठीक है, बंदा यहाँ खड़ा टीवी लिए हुए, उसको बिल्कुल गंदा कर दिया। इसको नॉक कर देता हूँ फिर से दोबारा मैं, देन घुस जाता हूँ मैं। आइए भाई, ये पूरी स्कोर स्वाइप हो जाती है भाई। इस स्कोर को स्वाइप करने के बाद एक और न्यू स्कोर आ जाती है यहाँ पर। मैं देखता हूँ यहाँ पर, मगर मैंने सोचा यहाँ पर यार इस छोटे से अपार्टमेंट में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फटाफट यहाँ लूट करता हूँ। लूट करने के बाद यहाँ मैं स्मोक करता हूँ पहले। अब जैसे स्मोक करता हूँ यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, मगर
मैंने कहा यार बिल्कुल भी ठीक नहीं है जगह, क्योंकि यहाँ पर आराम से ये लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ स्मोक करता हूँ, उस वाली बिल्डिंग में मुझे जाना था किसी भी हाल में। मैं यहाँ स्मोक करता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई चल, मगर मेरे टीममेट भाई, क्योंकि दो बंदे मेरे यहाँ पर नॉक हो चुके थे, मर चुके थे, वो चला जाता है रिकॉल करने, मगर मैं जब तक उसे बोल पाता तब तक वो निकल जाता है। अब वहाँ देखना, वहाँ बंदा मुझे कंटिन्यू फायरिंग कर रहा है। अब मैं बोलता भी हूँ कि भाई आ जा, मगर भाई ये बाइक लेके चला जाता है, मगर इसकी भी पेटी बन जाती है, हम अकेला पड़ जाता है। अब देखना, यहाँ पर एक जो इसको फायरिंग कर रही थी वो यहाँ पर बिना आँख नीचे मुझ पर पुश कर देती है। यहाँ देखना क्या मैं स्वाइप कर पाऊँगा ये स्कोर्ट, लेट्स सी। तीन बंदे नौके, दो बंदे को फिनिश कर लिया, लास्ट बंदा बचा। लास्ट बंदा ना भाई, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। भाई वो बंदा इतना शोक जाता है कि यार उसके साथ क्या हुआ, और लास्ट में सुनना वो क्या बोलता है बंदा। अब यहाँ ये गेट खोलता है, वो पीछे वाले दरवाजे से आता है, मैं भी चला जाता हूँ। भाई इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया इसके साथ हुआ क्या अचानक। खैर भाई, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना गाइस। और भाई लिटरली अगर ये क्लच अच्छा लगा ना, तो सब्सक्राइब का बटन है यार लाल वाला, प्लीज़ दबा देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अब देखो यार, यहाँ पर मैं लूट वूट कर ही रहा था, अचानक से देखता हूँ कि एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है। अब मैं यहाँ टीपी भी ले बैठ जाता हूँ। कहाँ भैया किधर? तो भाई यहाँ मेरे 12 किल हो जाते हैं। तो देन भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।